जनरल मनोज पांडे ने संभाली भारतीय सेना की कमान, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए जनरल मनोज पांडे, बोले थलसेना का नेतृत्व करना गर्व की बात। महाराष्ट्र में बोले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, खुद को बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ, बोले लॉ कमीशन ने खुद माना भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं है जरूरत। असदुद्दीन ओवैसी अर्थव्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले बढ़ रही है बेरोजगारी, महंगाई और इन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड की है फिक्र। उत्तराखंड सरकार ने चार धामों में हर दिन आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या की निर्धारित, बद्रीनाथ धाम में 15,000 तो केदारनाथ में 12,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। राणा दंपति की जमानत याचिका पर 2 मई को आएगा फैसला, अभी जेल में ही बिताना पड़ेगा समय। खरगोन में 1 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में राहत, वहीं 2 और 3 मई को पूरी तरह से लागू रहेगा कर्फ्यू, छात्रों को परीक्षा के लिए जारी किए जाएंगे कर्फ्यू पास। लाउडस्पीकर विवाद पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल, पूछा भारत में 70 के दशक में आया लाउडस्पीकर, क्या इससे पहले लोगों में नहीं थी आस्था। मई महीने के पहले दिन ही महंगाई का अटैक, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 102 रुपए की बढ़ोतरी, 2,355 रुपए का कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम। पुणे की जनता पर महंगाई की मार, फिर बढ़ी सीएनजी की कीमत, 2 रुपए 20 पैसे की हुई बढ़ोतरी। देश भर में जारी दावानल का दौर, अब जम्मू कश्मीर में उधमपुर के जंगलों में लगी आग, प्रशासन की ओर से आग बुझाने का प्रयास जारी। फलों सब्जियों पर भी दिखा महंगाई का असर, आम आदमी की कीमतों पर पड़ रहा असर। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,324 नए केस, कोरोना के कुल 19,092 नए केस, 40 लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने की अमृत सरोवर मिशन के प्रथम चरण की शुरुआत, प्रदेश भर में 111 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। योजना के तहत 15 अगस्त तक 1600 तालाबों का किया जाएगा सौंदर्यकरण, सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को किया संबोधित। लोहारू में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब के नवीनीकरण कार्य का किया शुभारंभ। पिरथला में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया खेल नर्सरी का शुभारंभ, मौके पर डीसी और एसडीएम समेत कई अधिकारी भी रहे मौजूद। कुरुक्षेत्र के तालाब को अमृत सरोवर बनाए जाने के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सांसद नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ। फरीदाबाद दौरे पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में लिया हिस्सा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कार्यक्रम में हुए शामिल। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुलदीप बिश्नोई बहुत लायक सभ्य नेता, प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव सोनिया गांधी और पार्टी का निर्णय। चंडीगढ़ की कॉलोनी नंबर 4 पर चला बुलडोजर, कार्रवाई करते हुए तोड़े गए हजारों मकान। यमुनानगर के सेक्टर 17 में लूट का मामला, नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर 2 युवकों से छीनी बाइक। कल कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शाहपुर बस स्टैंड का करेंगे उद्घाटन, धर्मशाला में ही होगा रात्रि ठहराव। हिमाचल में सजा जयराम सरकार का 26वां जनमंच, कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का होता है निपटारा, अभी तक हुए जनमंच में करीब 56,000 समस्याओं का निपटारा। राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रचंड प्रहार, 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा, वहीं यूपी में दर्ज किया गया 45 डिग्री तापमान। रूस और यूक्रेन युद्ध में घातक हथियारों की एंट्री, रूस ने शुरू किया एंटी टैंक माइन का इस्तेमाल, ट्रिगर करने पर अपने टारगेट पर ऊंचाई से हमला करता है टॉप अटैक माइन।